हेलो एवरीवन, आज भी जो है सफाई अभियान चालू है। दिखाती हूँ, देखो आज बस मैं अकेली हूँ। नेहा अपना काम कर रही है, मशीन वगैरह लगाई है। मशीन कल भी लगी थी, मशीन आज भी लगी है, मशीन कल भी लगेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे सोफे के कवर, और पता है यहीं पर मैंने दो दो मिनट क्या 15-20 मिनट बैठ के मैंने यहाँ पे कुर्सियों के कवर ऑर्डर किए हैं अमेजोन पे। मीशो पे भी देखे थे, मीशो पे वो कलर नहीं मिल पा रहा। पता नहीं ये कलर आ पाएगा नहीं आ पाएगा, कैसा आ पाएगा कैसा नहीं आ पाएगा। मैंने तो कर दिया, टीवी थोड़ा बहुत मैंने साफ किया है, बाकी मैं कल करूँगी। मुझे डर लग रहा है गिर ना जाए, हिल रहा है तो इस वजह से। आज तो विपिन भी नहीं है, जैसे मतलब वो 11-12 बजे तक जाएँ तो बहुत हेल्प हो जाती है उस टाइम तक। कुछ चीज़ों में उनकी ज़रूरत पड़ती है लंबे बंदे की, जैसे पंखे हैं, ये मैं नहीं कर पाई। मैंने ये पूरी दीवार की है, पर्दे उतारे हैं, पर्दे वॉश हो रहे हैं, सोफ़ों की डस्टिंग की है, खिड़की की है, मतलब कर ही रही हूँ जो भी है। देखने में तो ऐसे लग रहा है क्या है इस कमरे में, तो कुछ था ही नहीं, ऐसे था ना इस कमरे में। पर छोटी मोटी चीज़ें इतनी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। अब मैं जो है इधर से पीछे से झाड़ू निकालूंगी। हालांकि हमें ना पूरी सेटिंग चेंज करनी है। यहाँ से ये हटा के सामने रखेंगे सोफ़ा, जैसे जब था, जब ये आया था बिल्कुल वैसे ही कर देंगे जैसे ये हुआ करता था जब ये आया था, तो वैसे ही हो जाएगा वहाँ पे। पर उसके लिए विपिन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक चीज़ बाहर निकलेगी, डाइनिंग टेबल पूरा बाहर निकलेगा तब ये सोफ़ा उधर जाएगा। रखे रखे दोनों चीज़ें नहीं हो पाएंगी, तो इस वजह से। तो अभी तो मुझे कपड़े सुखाने भी ऊपर भागना है, पर आज मैं लेट लगी थी, बच्चों को भेज करके मैं थोड़ी देर लेट गई थी कंबल में। मैंने कहा भाड़ में जाने तो सब कुछ हो जाएगा यार, पिछले 3-4 दिन से हो ही रहा है कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो चलो जी करती हूँ, मैंने सोचा चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक हाथ से हो नहीं रहा, और आज मुझे ना सफाई करते करते ऐसा लग रहा है जैसे सफाई करते करते ना घर और गंदा हुए जा रहा है। अब ये अभी नेहा को जाना है रोज वाला काम करके, तो वो कह रही है कि नहीं वो अभी जो है और कपड़े नहीं धो पाएगी, मेरे बस की भी नहीं है भैया, मैं अभी और ये इन सब में कामों में लगूँ, खाना भी देखना है, और मेरा मन भी नहीं है भाई। वो कर लेगी कल आके, उसने कहा मैं कल करूँगी अभी। तो ये वाले जो पूरे सोफे के कवर हैं वो, और ये वाले पर्दे तो धुल गए, इधर वाले भी धुल गए, इधर वाले भी धुल गए, ये सामान भी मैंने पहुँच के लगा दिया, और ये पर्दे कल धुलेंगे इसके साथ। अंदर एक बेड मतलब तीनों बेड की बेडशीट है वो भी कल धुलेगी। अभी तो झाड़ू पोछा होना है, ये तो मैं कर रही थी दीवारों पे, ये वाली दीवार रह गई इस पे भी मारूंगी अभी, और ये जो ये वाली पूरी दीवार रह गई क्योंकि इस पे टीवी है, तो ये मैं विपिन के सामने करूंगी। बाकी सब हो चुका है, ये वाली जो है ना ये निशान रगड़े जाएंगे बैठ के इत्मीनान से, और इसके बाद मैं गुड्डू को सख्त बोलने वाली हूँ कोई बर्थडे डेकोरेशन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि डेकोरेशन के बाद फिर ये हाल होता है, ये हाल होता है, और ये हाल होता है टेप का। टेप हटने के निशान है ये, यहाँ पे टेप नहीं लगी हुई, टेप हटने के बाद जो निशान होते हैं वो। तो भाई बस हो गई डेकोरेशन जितनी भी होनी थी ना, ये सब टेप के निशान है जो कि आसानी से नहीं जाएंगे, घिसना पड़ेगा इनको। अभी ये चेयर अंदर करूँगी, ये पहुँच दिया है इसको अंदर करूँगी, और मुझे पता है ऐसे लगे जा रहा है जैसे सफाई हो ही नहीं रही। अभी 2-3 दिन बाद लगेगा सफाई का, जब सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी, पर्दे वर्दे चेंज करूँगी। फिलहाल तो यही लगाऊंगी धुलने के बाद, उसके बाद दिवाली से 4-5 दिन पहले चेंज करूँगी पर्दे जो पिछली बार लगाए थे मैच करते हुए, जब ये भी आ जाएंगे कवर वगैरह सब कुछ। काम वाम तो सब हो चुका है, काम मतलब अभी मेरा तो जारी ही है, नेहा जा चुकी है करके वो पर्दे फैलाने हैं हाथों हाथ, तो विपिन आएंगे तब। बहुत सारा काम है यार, जो बहुत सारी चीज़ें विपिन ही कर देते हैं, और फिर वो जो होता है ना कि ये काम इसने करना है, वो हम उसी के भरोसे। पर्दे उतार मैंने दिए, लगाने को लगा मैं सकती हूँ, क्या पता लगा भी लूँ वो जल्दी में हुए तो। फिलहाल मुझे आपको शॉपिंग दिखानी है, और पता है घर ना साफ ही नहीं हो रहा यार, जो ये टाइल्स है ना इसमें तो नहीं आ रहा, इतना पोछा लग रहा है फिर भी ये साफ नहीं हो रही है, धूल मिट्टी जब तक सारी एकदम नहीं होगी ना सारा, मतलब मज़ा नहीं आ रहा देखने में, तो हो जाएगा। लाओ अपने हाथ दिखा दो, मेरे हाथ तो नहीं रंगवाए तुमने। मेरे हाथ रंगे, दिखाओ ये जो है किस चीज के हैं। टिक्का लगा दिया। इस हाथ पे भी हुआ है? क्यों, दोनों हाथों पे क्यों करते हैं? दोनों हाथों से होती है वो। तो फाइनली जी जो मैं बता रही थी, गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज,
पता था कि होनी है क्योंकि सब कुछ फाइनल था, लेकिन एक है ना कि भाई रजिस्ट्री हो जाए तो वो रहता है, तो हो गई रजिस्ट्री। और कल से जो है, कल या परसों, कल नहीं तो परसों तो है ही है, वहाँ पर हम जो है काम शुरू करा देंगे। और ये जो अक्टूबर का महीना है ये बहुत ख़ास है, मेरे लिए बहुत ख़ास है। अक्टूबर के महीने में मैंने अपना चैनल शुरू किया था, देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा, जो आप अभी देख रहे हो। उसके बाद जो है रश्मि कलेक्शन मैंने किया, और रश्मि कलेक्शन मैंने मई से शुरू किया था, मई के लास्ट में, 30 मई से। और जो रश्मि कलेक्शन घर से शुरू किया था, घर पे शॉप बनवाई, फिर उसके बाद आज 25 अक्टूबर को उसकी ज़मीन खरीदी है जिसपे काम शुरू होगा। बहुत खूबसूरत सा एक छोटा सा शोरूम बनेगा, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें मुझे बहुत अलग अलग करवानी है उसमें, जो मतलब बनने को देखो एकदम आप दुकान चार दीवारी खड़ी करो दुकान, लेकिन कुछ चीज़ें करवानी है, लुक बहुत अच्छा रखना है। जब कर रहे हैं तो फिर मैं वैसे वाला ही करूँगी। इसलिए खाना पीना किया, और उसके बाद जो है किचन समेटा, बर्तन तो नहीं किए क्योंकि मैंने कहा पहले मैं ये काम करती हूँ, क्योंकि यहाँ कुशन कवर, वहाँ चेयर कवर, कहीं पर्दे, कहीं और जैसे कपड़े भी धुले हैं वहाँ वो पड़े हैं, तो मैंने कहा पहले मैं इन्हें समेटती हूँ, जो जो जहाँ का है, जैसे पेटी का जो मैं चादर का टुकड़ा डालती हूँ दोनों पेटी पे वो बाहर पड़े हैं, तो वो सारी चीज़ें, और जो टेडी बियर हैं वो मैंने कहा इनको सेट करते हैं अभी, कल भी ऐसे ही चलेगा, कल सोफे के कवर, बाकी पर्दे वगैरह वो सब धुलेंगे। तो इस तरीके से फ़िलहाल सबके घरों का यही काम चल रहा है। गुड न्यूज़ मैंने आपको दे दी है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है ये, मेरे लिए बहुत बड़ी है। देखो लेने को तो एक ज़मीन हमने अभी भी ली थी कुछ महीनों पहले, और लेकिन जो ज़मीन हमने मैंने अब हुई है हमारी, वो इसलिए मेरे लिए बहुत बड़ी है, जबकि वो बहुत बड़ी ज़मीन नहीं है, छोटी सी है, क्योंकि वो मैंने खुद से की है। मैंने उसमें, मैंने विपिन को पहले ही बोल दिया था कि मैं करना चाहती हूँ, जितनी भी पता है मेरी अब तक की अर्निंग है, या मैं जितना भी कमाया या जो भी मैंने सेविंग की, वो सब मैं ये सोच के इकट्ठा करती रही कि बच्चों के काम आएगी, जो मेरी गुड्डू है उसकी कुछ कोर्स होगा या जो उसने करना होगा उसमें काम आएगा, फिर उसके बाद तन में आता उसके लिए भी बचता और उसके लिए करते भी रहते। लेकिन फ़िलहाल जो है ना गुड्डू का टाइम बहुत नज़दीक आता जा रहा है, अब वो अगले साल 9th क्लास में आ जाएगी और 4 साल रह जाएंगे उसके कोर्स में। अचानक से ये फैसला हुआ और ज़मीन ले ली गई, और अभी उस पर काम शुरू हो जाएगा कल या परसों से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिना प्लानिंग के हो, बहुत सारी नहीं मतलब एक यही काम है जो बिना प्लानिंग के हो गया। जिस टाइम हमने ये सारी प्लानिंग की थी पिछले साल कि रेंट पे दुकान लेते हैं और हम काम शुरू करते हैं, लेकिन वहाँ रेंट सुनने के बाद तो मेरा ये हो गया था कि नहीं मुझे नहीं करनी, मैं घर से ही कर रही हूँ, छोटा कर रही हूँ, ज़्यादा कर रही हूँ, कम कर रही हूँ। हालांकि घर से भी, मैं बता दूं कि घर से भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, एक साल में मैं लाखों रुपये का कपड़ा मैं बेचती हूँ एक साल में घर के अंदर, जो हमने देखा है, बेचा है, जिसको हमने कैलकुलेट किया है लास्ट में। लेकिन मेरे मन में अचानक से ये आया इस साल कि नहीं मुझे तो बाहर शॉप करनी है, पता नहीं क्यों आया। और हैरानी की बात यह है कि इस 1-1.5 महीने में ये सारी चीज़ें हुई, ज़मीन भी फाइनल हो गई, और 2 या 3 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा काम भी शुरू हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ कि संडे से शुरू कराऊँ, क्योंकि बेटियों से पुजवाते हैं, तो मैंने कहा गुड्डू भी वो जो है वो बांधना बूंदना होता है वो कर देगी, और मंदिर भी जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस दौरान सोच रही हूँ। हालांकि डर भी बहुत ज़्यादा रही हूँ कि क्या ये मेरा फ़ैसला सही है। और कल रात तो ऐसे चल रहा था मन में, क्योंकि 25 तारीख आज सुबह 26 तारीख में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज ही ये आप वीडियो देखेंगे, और मेरे मन में ऐसे चल रहा था रात में क्या मैं सही कर रही हूँ। बहुत मतलब ऐसे होता ना, कितना इन्वेस्टमेंट होगा अभी एक दुकान को खड़ा करना, और फिर जो मैंने उसमें सोचा हुआ है कि इस तरीके का वॉलपेपर, इस तरह का पीवीसी लाइटिंग, और इस तरीके से रखना है उसमें, यहाँ फर्नीचर भी कराना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, तो मैंने कहा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, क्या सही रहेगा, क्या मुझे करना चाहिए। फिर ना दुकान में, दुकान के हिसाब से लाखों रुपये का कपड़ा डालना,
एक क्या होता है कि आपने लाखों का कपड़ा आप महीने में बेचा, लेकिन वो हफ्तों में किस्तों में आ रहा है तो पता नहीं चलता। लेकिन दुकान में आपको दुकान जैसी लगनी चाहिए, पूरा भरा हुआ होना चाहिए, एक साथ डलेगा वो। तो ऐसे ही चीज़ें चल रही थी रात में, बहुत रात तक मैं ऐसे ही सोचती रही। पता नहीं मैं 2 बजे सोई होंगी, 3 बजे सोई होंगी, क्योंकि चीज़ें चलती रही और पता नहीं कब आग लगी। तो अब आप लोग मुझे थोड़ा हिम्मत देना, और ये सब आप लोगों की हिम्मत की वजह से ही है। मैं इसमें आप लोगों को बराबर का क्रेडिट दूंगी। अगर आप लोग मेरी लाइफ में ना होते, आप लोगों ने मुझे साथ ना दिया होता, तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस ये सब कहाँ से आता। और मैंने अगर अर्निंग की तो वो पहले मैंने देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा से ही की, और फिर उसके बाद रश्मि कलेक्शन शुरू किया, और उसमें भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मेरे पास ना जब भी मेरे कोई देहरादून के कस्टमर या सेलागुई के कस्टमर या विकास नगर, हरबतपुर, सहसपुर या कोई आसपास और भी एरियाज हैं जो यहाँ लोकल में आते हैं, वो लोग हमेशा मुझे बिजनेस नंबर पे मैसेज करके यही बोलते थे कि रश्मि आपकी शॉप होती ना तो और ज़्यादा इजी हो जाता। घर पे आते हुए हमें हिचक होती है, हम आए ना आए, आप घर पे होंगे नहीं होंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो मेरे मन में आता था जब वो लोग ये चीज़ बोलते थे, तो मैं सोचती थी कि क्या मुझे करनी चाहिए। और बस ऐसे करते 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 मैंने इस बार सोच ही लिया कि चलो करते हैं। मेरा ये कोई सपना तो नहीं था कि मैं आपको बोल दूं कि मेरा तो ये बरसों का सपना था या मैंने ये सपना देखा था। मैंने ऐसा कोई सपना नहीं देखा था कि मैं अब बिज़नेस करूंगी और वो बिज़नेस इस लेवल तक मैं लेकर जाऊंगी। चलो घर तक हुआ हुआ, ये चीज़ बाहर तक जाएगी, लोगों तक जाएगी, मैं बाहर जाऊंगी, मैंने ये नहीं सोचा था। ये चीज़ हो गई और इसमें पूरा पूरा आप लोगों का हाथ है, पूरा पूरा आप लोगों का हाथ है। आप मुझे ना सपोर्ट करते, ना मुझे देखते, ना मुझे हिम्मत देते, ना मुझे संभालते, तो ये चीज़ें होनी पॉसिबल ही नहीं थी। नेगेटिव लॉग्स भी होते हैं तो पॉजिटिव लॉग्स मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं हेटर भी नहीं कहूँगी मैं उन लोगों को, क्या पता वो सही बोलते हो, वो वही देखते हो, वही बोलते हो। आज तो मैं इस तरह की कोई बात ही नहीं करना चाहती, क्योंकि दिन ही इतना बड़ा है और बहुत अच्छा लग रहा है। बस थोड़ी सी नर्वस हूँ, थोड़ा सा डर लग रहा है। बस आप लोग अब इसमें भी मुझे थोड़ा समझाइएगा, बोलिए, क्योंकि बहुत हिम्मत मिलती है यार। जैसे हम किसी का एक नेगेटिव कमेंट पढ़कर एकदम से अजीब सा फील करते हैं ना, वैसे ही पॉजिटिव कमेंट पढ़कर एकदम से बहुत अच्छा सा फील करते हैं। तो बहुत सारी बातें कर ली मैंने आप लोगों के साथ, और ये सारी चीज़ें भी काम भी होता जा रहा है, और वॉइस ओवर के जरिए कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सामने से बैठ के नहीं बोली जाती। और ये वॉइस ओवर भी मैंने कितनी बार कट किया, फिर कट किया, इस तरीके से चला। और अब नई शुरुआत हो गई है, और जो काम शुरू होने वाला है वो भी आप देखेंगे। फ़िलहाल ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलूँगी, बाय बाय।